मृत्युलोके महाकाले सर्वलिंगी नमस्तुते। आज पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में जश्न है, क्योंकि उत्सव ही उस शक्ति का है जिससे इस सृष्टि का सर्जन है। जब भोलेनाथ की बारात आई, पंडित जी ने कहा तुम्हारे बाप का नाम क्या है, यानी पिताजी का नाम बताओ। भोलेनाथ क्या कहा कि सबका पिताजी तो मैं ही हूं, मेरा बाप कौन? बोल शंकर भगवान की। पुनः मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, भक्ति भाव की ओर चलते हैं, रात भर भोलेनाथ के भजनों के साथ खूब आनंद लेंगे।
धरती का संकट अगर सबसे अधिक किसने उबारा है तो वो भोलेनाथ। और विज्ञान भी इस चीज को मानती है कि जितने भी विद्यमान शिवलिंग इस धरा पर है वो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है उस बल को कम करने की कोशिश करती है। जो आसमान से जो ताप धरती को ताप लगता है वो शिवलिंग के माध्यम से कम होता है, उसकी वजह से हम शांति से बैठ पाते हैं। आप कभी जाना जब बहुत ज्यादा थके हुए हो, बहुत ज्यादा हारे हुए हो, बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा चिंता में हो, तब भोलेनाथ के मंदिर में चले जाना और एक लोटा जल चढ़ा देना, सारी शांति, क्योंकि एक लोटा जल और सारी समस्याओं का समाधान। और डोगरे ने इसके अलावा हमसे कुछ मांगा भी नहीं। जब समंदर मंथन हुआ 14 रत्न निकले और जब विष निकला तो विष किसको दिया गया? भोलेनाथ को। अनेकों संकटों से भगवान ने उबारा और कहा नहीं होंगे। भगवान आप लोगों के नाम लेने से प्रसन्न होंगे क्योंकि आप सिर्फ